कार जारी है और अब आपको हम सीधे लिए चलेंगे भारत मंडपम, जहां पर वाटर इंडिया वीक का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रपति से संबोधित कर रही हैं। जुड़े देश विदेश के प्रतिभागियों को प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्रालय की पूरी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आप सभी प्रतिभागियों ने पूरी मानवता से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन मंथन करने के लिए उत्साह दिखाई है। इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करती हूँ। मुझे बताया गया है कि जल संसाधन के विभिन्न आयामों से जुड़े नीति निर्माता, विशेषज्ञ, प्रबुद्ध नागरिक, उपभोक्ता समूह और अन्य सभी हितधारकों को गहन विचार विमर्श करेंगे तथा भविष्य के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इस भारत जल सप्ताह 2024 का लक्ष्य है समावेशी जल विकास और प्रबंधन। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने सही माध्यम चुना है। वो माध्यम है साझेदारी और सहयोग। समावेशी जल विकास का अर्थ है जल सर्वोदय, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सबके लिए जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्राचीन काल से ही हमारे देश की प्राथमिकता रही है। आज के लगभग 2300 वर्ष पहले के ग्रंथ अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि 10 परिवार के लिए एक सार्वजनिक कुआं उपलब्ध होना चाहिए। उस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि पानी के बहाव की व्यवस्था कराने नगर के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति पानी के बहाव को रोकता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। सदियों की विकास यात्रा के बाद भी आज के युग में हम देखते हैं कि वाटर ड्रेनेज पर निर्मित अवरोधों के कारण बारिश होने पर जगह जगह जल भराव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनजीवन उससे अस्त व्यस्त हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य से भी बहुत पहले ऋग्वेद में पानी के महत्व के बारे में अनेक उल्लेख मिलते हैं। हमारे समाज में जल संसाधन को बहुत मूल्यवान माना जाता है। ऋग्वेद की एक ऋचा है, अपसु अंतः अमृतम अपसु भेषजम, अर्थात जल में अमृत है, जल से औषधि है। यानी जल जीवनदायी अमृत की तरह है, मानवता के लिए तथा सभी प्राणियों और वनस्पतियों के लिए भी जल का आवश्यकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान देश में 60,000 अमृत सरोवर का विकास अथवा पुनरुद्धार किया गया है। ये प्रयास जल संचय की हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लद्दाख से लेकर केरल तक हमारे देश में जल संचय और प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियाँ विद्यमान थी। ऐसी पद्धतियाँ अंग्रेजी शासन के दौरान धीरे धीरे लुप्त होती गई। हमारी पद्धतियाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित थी। प्रकृति पर नियंत्रण करने की सोच के आधार पर विकसित पद्धतियों के बारे में पूरे विश्व में अब फिर से विचार किया जा रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य के मार्गों को बेहतर माना जा रहा है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के विभिन्न प्रकार के अनेक प्राचीन उदाहरण पूरे देश में उपलब्ध है, जो आज भी प्रासंगिक है। हमारे प्राचीन जल प्रबंधन प्रमाणीय पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। सरोवर, कुआं, तालाब, जलकुंड और पोखरी, ऐसे सभी जल निकाय सदियों से हमारे समाज के लिए वाटर बैंक रही है। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद ही आप बैंक से पैसा निकालकर अपना उपयोग कर सकते हैं। यही बात पानी के विषय में लागू होती है। मानव समाज के लोग पहले जल संचय करेंगे तभी ये जल का उपयोग कर पाएंगे। धन का दुरुपयोग करने वाले लोग संपन्नता के निर्भरता को स्थिति में चले जाते हैं। उसी तरह
वर्षा से समृद्ध क्षेत्रों में भी जल का अभाव दिखाई देता है। सीमित आय का समझदारी से उपयोग करने वाले लोग अपने जीवन में आर्थिक संकट से बचे रहते हैं। उसी तरह कम वर्षा वाले क्षेत्र में जल का संचय करने वाले ग्राम समूह जल संकट से बचे रहते हैं। भारत में राजस्थान और गुजरात के कई क्षेत्रों में ग्रामवासियों ने अपने प्रयासों से जल संचय के प्रभावी तरीके अपनाकर जल के अभाव से मुक्त होते। इसी तरह आज देव दो बहनें कैसे जल के प्रभाव को, जल के असुविधा को दूर किए हैं, अपना घन जंगल एरिया में हम लोगों के सामने और उनके एक्सपीरियंस उजागर किए हैं और सही में नहीं प्रशंसा के पात्र हैं। इसी तरह हम सभी एरिया में इस एरिया के हम एक प्रतिनिधि के रूप में हाँ प्रत्येक हम प्रयास करेंगे तो जल का जो अभाव है उसको हम दूर कर सकते हैं। हम जानते हैं जितने भी पहाड़ जंगल एरिया है वहाँ झरना रहता है, झरना के पाए कोई जीवित झरना रहता है और झरना के भी मरता नहीं। उसी झरना के पानी को हम संचय कर सकते हैं और उसको हमको पीने के पानी और जो भी हम लोगों का सुबह से लेकर के शाम तक जो हम पानी के व्यवहार करते हैं उसको हम उपयोग कर सकते हैं। इसी दिशा में हम गवर्नमेंट को भी हम बता सकते हैं कि कहाँ झरना है, कहाँ पानी की आवश्यकता है। जैसे कि हम लोगों के दो बहनें गवर्नमेंट के सहयोग से वहाँ के पानी का समस्या को दूर किए हैं। जल संचय के बारे में तो मैं यहाँ तो कहना चाहूँगी कि पानी की एक एक बूंद मोती की तरह मूल्यवान होती है, उसे संचित करने का हर उपाय हमें करना है। हमारे यहाँ लोकप्रिय कहावत है कि बूंद बूंद पे सागर भरता है। बूंद बूंद पे सागर भरने के इस प्रयास में सभी देशवासियों की तथा जल प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों को भागीदारी करने का आवश्यक है। देवियों और स्वजनों, ये प्रसन्नता की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में जल से जल पहुंचाने के सरकार के प्रयासों से बहुत कम समय में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे बताया गया है कि पूरे देश में 78% से अधिक ग्रामीण घरों तक जल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 से कैच द रेन वाटर व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के संदेश के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा के जल का संचय तथा जल प्रबंधन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वन संपदा को बढ़ावा भी जल संपदा में सहायक होता है। व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के द्वारा भूजल का स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी देशवासियों की भागीदारी से एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। जल संचय और प्रबंधन में बच्चे की भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं और देश का भविष्य है। देश का हम पानी का उपयोग सुबह से शाम तक करते हैं, जल नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए ये बच्चों को भी जानकारी होना चाहिए जिससे वो अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को जागरूक कर सकते हैं और खुद उपयोग भी कर सकते हैं। जल शक्ति के बल पर ही जल शक्ति का समुचित संग्रह और उपयोग किया जा सकता है। जल शक्ति के समुचित संचय तथा उपयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें जल भागीदारी से भी आगे जाना होगा। जल शक्ति के प्रयास को जन आंदोलन का रूप देना होगा। सभी नागरिकों को
जल योद्धा की भूमिका निभानी होगी, जैसे कि हमारे बहनें जल योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, विश्व समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल की उपलब्धता तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों में महिलाओं और लड़कियों की जल तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को विशेष उल्लेख किया गया है। जल के अभाव से पीड़ित लोगों की संख्या कम करने का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को समर्थन देने और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इस आयोजन का विषय भी भागीदारी और सहयोग पर केंद्रित है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 2.5% ही फ्रेश वाटर या मीठी पानी होती है। उसमें भी 1% ही मानव समाज के उपयोग के लिए उपलब्ध हो पाता है। जल संसाधन सीमित है, उनके सक्षम उपयोग से ही सबके लिए जल की आपूर्ति संभव है। विश्व के जल संसाधन में भारत का हिस्सा 4% है। हमारे देश में उपलब्ध जल का लगभग 80% कृषि क्षेत्र के उपयोग में आता है। कृषि के अलावा विद्युत उत्पादन, उद्योग तथा घरेलू जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता अनिवार्य है। पानी के सक्षम उपयोग द्वारा ही संतुलित तरीके से विभिन्न क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस आयोजन में होने वाले व्यापक विचार विमर्श के आधार पर सभी हितधारकों द्वारा साझेदारी और सहयोग के प्रभावी तरीके तय किए जाएंगे। मैं चाहूँगी कि सभी प्रतिभागी एवं समावेशी जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज हम सब जल सर्वोदय का संकल्प लें। इस शुभ संकल्प को सिद्ध करने के मार्ग पर आप सब तेजी से आगे बढ़े, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू योर एक्सीलेंसी।